चलिए अब हमारा ये आखिरी पड़ाव है। वैसे भी आपको बता दूं कि हम सांसदों को जिम्मेदारी है, हम अपने अपने क्षेत्र के लोगों को आस्था स्पेशल ट्रेन से दर्शन करा रहे हैं जी। जब पूरे लोकसभा को दर्शन करा लेंगे फिर उसके बाद हम चलेंगे दर्शन करने। रैपिड फायर पे जा रहा हूं लेकिन एक आखिरी सवाल, पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से मना किया, वो काराघाट से लड़ रहे हैं ऐसी खबर है। या रिसेंट है क्या? अभी ये मुझे जानकारी नहीं है लेकिन टिकट तो पवन को दिया गया था आसनसोल से, उसने वहां से कुछ कोई बातचीत हुई, आपने कुछ कहा उनको, सुझाव दिया, आप सीनियर भी हैं उनसे काफी। नहीं हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। आप नेहा सिंह राठौर को जानते? वो पॉलिटिकल सिंगर, हाँ जानते। वो इतना नाराज क्यों रहती हैं आपसे? हमसे? हाँ नहीं नहीं वो कांग्रेस और राजद से नाराज है। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाएं। अब है इस शो का आखिरी पड़ाव। मनोज जी आपको मुझे कैमरा बताने की जरूरत नहीं है लेकिन वो कैमरा है, ये है आपका यस और ये है नो। नहीं होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, यस नो या अगर पास करना है तो ऐसे। आप उधर ही फंसाते फंसाते बचे मुझे। बहुत आसान सवाल है, देखिए यस होगा या नो होगा या आप पास कर दीजिएगा। जब शो आएगा ना तो रवि कहेगा तुमने खुद बोला है कि मैं सुपरस्टार हूं, इसलिए मैं ही हूं। ये लीजिए मनोज जी ये कैमरा है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ यस या नो या पास। जोरदार तालियां पहले हो जाए मनोज जी के लिए क्योंकि पहला रैपिड फायर राउंड बड़ा शानदार गया है हमारा। जोरदार तालियां, तालियों की आवाज नहीं आ रही मुझे, आइए जरा प्ले ऑन करिए। पहला सवाल मनोज जी के लिए, विपक्ष के दागी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। मनोज जी प्ले कार्ड, यस या नो? मनोज जी प्ले कार्ड हाथ में ले लीजिए या पास भी कर सकते हैं आप। पास करिए मुझे तो दिखा दीजिए जरा उस पर प्लीज, पास को स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। सर ये नो है, हाँ ये इसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा, यही जवाब है, नो स्वागत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, जोरदार तालियां। देखिए स्ट्रेट सवाल स्ट्रेट जवाब, बहुत बढ़िया मनोज जी। आइए जरा नेक्स्ट प्ले करिए सवाल हमारा। हमारा अगला सवाल आपके लिए ये है, संविधान से सेक्युलर शब्द हटाया जाना चाहिए, यस या नो? यस ओके, जोरदार तालियां हो यहां पर। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो। हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा, देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए, यस। अगले सवाल के लिए एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां हो। हर सवाल का बड़ा स्ट्रेट जवाब दे रहे मनोज जी वाकई में, तो एक बार फिर से जरा तालियां हो मनोज जी के लिए। अगला सवाल, आरक्षण की सीमा 50वीं सदी से ज्यादा होनी चाहिए, नो। अगला सवाल प्ले करिए, रामलला के दिखाइए जरा अगला सवाल, रामलला के दर्शन ना करने वाले नेता सनातन विरोधी हैं, वैसे आपने भी नहीं किया लेकिन आपने कहा कि आप बाद में जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, हम तो योजना पे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगला सवाल प्ले करिए जरा, हमारा अगला सवाल दिखाइए, इंटरनेट से भोजपुरी के अश्लील गाने हटाए जाने चाहिए, यस या नो? फिर आपके भी कुछ गाने हट जाएंगे उसमें, आपके भी कुछ गाने हटेंगे उसमें से। नहीं मेरा कोई हटेगा ही नहीं। अच्छा जोरदार तालियां हो। हमारा आखिरी सवाल मनोज जी के लिए प्ले करिए, सब जानना चाहते हैं मनोज तिवारी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुझे पास कर दीजिए। पास कर रहे हैं आप, ये पास करिए, ये तो इसका जवाब, हाँ जो आप लोग जो चाहें। मनोज जी इससे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करें लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, रील और रियल लाइफ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, रील हम दूसरों के कहने पे चलते हैं, रियल लाइफ में हम खुद होते हैं। तो इसलिए तो मैं आपका एक बड़ा अच्छा सवाल था कि रील के आधार पे किसी का कैरेक्टराइजेशन मत करो, रियल में जो भी, और वो भी मैं रियल में भी बोलता हूँ
रियल में भी अगर कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य पे गलती मांगता है, माफी मांगता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, माफ करना चाहिए। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस विनम्रता के लिए और यहां पर आने के लिए बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।